चंद्रपुर शहर में अमृत जलापूर्ति योजना का कार्य संतोष कंस्ट्रक्शन को दिया गया। समझौते में कहा गया है कि करीब 230 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद ही एक साल तक प्रोजेक्ट चलाने की जिम्मेदारी संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी की होगी। अभी तक शहर में अमृत की योजना पूरी नहीं हो पाई है। शहर के सभी नागरिकों को सुचारू रूप से जलापूर्ति भी शुरू नहीं हो सकी है। अमृत योजना के तहत इरई बांध, तुकुम जल शुद्धिकरण केंद्र, बापूपेट संपवेल, दातालाह जल शुद्धिकरण केंद्र, दातालाह संपवेल आदि पर करोड़ों रुपए खर्च कर मशीनरी और उपकरण लगाए गए हैं। अनुबंध के मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एक साल तक इन सभी मशीनरी और उपकरणों का ट्रायल लेने की जिम्मेदारी एजेंसी संतोष कंस्ट्रक्शन की है। हालांकि योजना पूरी होने से पहले नगर पालिका प्रशासन ने करोड़ रुपए की मशीनरी व उपकरणों के संचालन की जिम्मेदारी दूसरे इच्छुक ठेकेदार को देना शुरू कर दिया है। अमृत योजना अधूरी होने के बावजूद संतोष कंस्ट्रक्शन ने नगर निगम से 220 करोड़ रुपए का लाभ पूरा भुगतान वसूल लिया है। अब अधिकारियों ने अमृत के ठेकेदार को अगले एक साल तक ट्रायल लेने की जिम्मेदारी से मुक्त करने का फैसला किया है। जलापूर्ति योजना के संचालन के लिए टेंडर जारी कर ये बात साबित कर दी गई है। एक तरफ अमृत के ठेकेदार को अभय और मर्जी के ठेकेदार को फायदा मिल रहा है। पूर्व पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन की भूमिका से साफ है कि ठेकेदारों को आयुक्त या नगर निगम प्रशासन अपने सर पर बिठाकर क्यों नाच रहे हैं। चंद्रपुर शहर वासियों को ताक में रखकर ठेकेदारों की झोलियां भरी जा रही है। आयुक्त विपिन पालीवाल ने गलती तो मानी लेकिन उसमें सुधार की कोई गारंटी नहीं। नगर सेवक सचिन भोयर और पप्पू देशमुख ने यह मामला आयुक्त विपिन पालीवाल के संज्ञान में लाया। पूर्व पार्षदों की मांग है कि अमृत के ठेकेदार को ये जिम्मेदारी दी जाए कि अगर उसमें काम पूरा कर लिया है तो एक साल तक ट्रायल लिया जाए। अगर ठेकेदार काम पूरा करने को तैयार नहीं है तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए और फिर जिम्मेदारी दूसरे ठेकेदार को दी जाए, लेकिन ऐसा किए बगैर पूरी योजना को चलाने के लिए नया ठेका देने की अवैध कार्रवाई कैसे हुई। पूर्व पार्षदों द्वारा इस तरह का सवाल पूछे जाने पर आयुक्त पालीवाल ने माना कि गलती हुई है। इससे आयुक्त पालीवाल की भूमिका पर संदेह पैदा होने की गुंजाइश है। लोकांनी निवडून दिलेल्या नगर सेवक सन्माननीय नगर सेवकाची महासभा अस्तित्वात असताना व स्थायी समिती अस्तित्वात असताना पाणी पुरवठ्याचे कंत्राट सर्वानुमते सर्वपक्षीय नगर सेवकांनी रद्द करून स्वतः महानगरपालिकेने पाणी पुरवठा यंत्रणा चालविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता, परंतु सध्या ज्यांना आम्ही चौकीदार म्हणून निवडणूक झालेली नसल्यामुळे बसवलेला आहे अशा मनपा प्रशासनाने हा निर्णय बदलून छुप्या मार्गाने आड मार्गाने संपूर्ण पाणी पुरवठ्याची योजना चालविण्याचे कंत्राट काढलेले आहे, निविदा काढलेली आहे। ही निविदा तातडीने रद्द करावी। पाणी पुरवठ्याची योजना फक्त मनपा प्रशासनाने चालवली पाहिजे, अन्यथा शहरातील नागरिकांना पाण्यासाठी वनवन भटकावे लागते आणि कोणी दखलही घेत नाही, कंत्राटदार मुजुरी करतात, त्यामुळे पाणी पुरवठ्याचा जो महानगरपालिकेमध्ये प्रशासक राज असल्यामुळे चंद्रपूर महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेचं खात्रीकरण माननीय आयुक्त यांनी करण्याचं ठरवलेलं आहे। प्रत्यक्षरित्या कंत्राटदार नेमून कंत्राटदाराच्या वतीने पाणीपुरवठा योजनेकरिता कामगार नेमून चंद्रपुरांना परत त्रास देण्याचं काम आणि अनियमितता पाणीपुरवठा करण्याचं काम चंद्रपूर महानगरपालिका करणार आहे। मागील 10 वर्षांमध्ये जर बघितलं तर खाजगी पाणीपुरवठा योजना होती, ज्याच्यामुळे चंद्रपूरच्या जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास झाला, त्यांना पाणी मिळालेलं नाही। परत अशाच पद्धतीने जर चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्त पाण्याचं खाजगीकरण करून चंद्रपूरकरांना त्रास देत असेल, म्हणूनच या ठिकाणी सर्व माजी नगरसेवक जागरूक नागरिकांच्या वतीने या ठिकाणी निदर्शने आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। आणि जी अमृत योजना अजूनपर्यंत कार्यान्वित झाली नाही, त्या योजनेचं पूर्णपणे ट्रायल झालेलं नाही, त्याच योजनेचे लावलेली यंत्रसामग्री चालवण्याकरिता त्या कंत्राटी कामगार नेमणे हे एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे। या भ्रष्टाचाराचा आम्ही सर्व नगरसेवक विरोध करतो आणि येणाऱ्या काळात पाणी पुरवठ्याचं खाजगीकरण होऊ देणार नाही अशी चंद्रपूरकरांना ग्वाही देतो। NBC न्यूज के लिए चंद्रपूर से सुनील तायडे की रिपोर्ट।